ओके यस सर। चलिए, तो पहला जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, परी डिफाइन करिए व्हाट इज डायमेंशन। डायमेंशन मैंने क्या पढ़ाया, डायमेंशंस क्या होती हैं? परी बहुत बैकग्राउंड में साउंड है, रुक जाओ आप मत बताओ। चलो बताओ, आप बताइए। वन मोर स्टूडेंट इज देयर, अनुभा, एक मिनट यार नाम भूल गया, मानवी। यस, व्हाट आर डायमेंशंस सर? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड इन ऑर्डर टू डिराइव द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जैक्टली, the dimensions are the power to which the fundamental quantities are to be raised. Okay, raised as to get the given physical quantities or as to describe the given physical quantities. बैठे थोड़ा सा, दो मिनट बैठो। हाँ, as to get the given physical quantities. Okay, so once again I repeating, the powers to which the fundamental quantities are to be raised. ऐसी power जिससे फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेस किया जाता है टू गेट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, वेलोसिटी या स्पीड की मैं बात करूँ तो स्पीड में जो डायमेंशन मैंने बनाई है, दैट इज बॉक्स, चेयर ले ले बेटा, दैट इज बॉक्स एल टी टू द पावर माइनस वन। सो हेयर द लेंथ इज रेस्ड बाई, यहाँ पे जो लेंथ को रेस किया गया है, पावर वन से रेस किया गया है और टाइम को रेस किया गया है माइनस वन से। सो द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज वन एंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इज माइनस वन। तो ये पावर्स को ही डायमेंशन कहते हैं। ओके, और किसी की डायमेंशन बताती है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ें पे डिपेंड कर रही है। अब मैं यहाँ से बोलूँगा कि क्या स्पीड लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो बोलेंगे हाँ सर लेंथ पे डिपेंड कर रही है बिकॉज लेंथ की पावर यहाँ पे वन है। क्या स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रही है? हाँ सर टाइम पे डिपेंड कर रही है बिकॉज टाइम की पावर यहाँ माइनस वन है। यस, ओके, सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? बोलो मानवी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सर डायमेंशनल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला विच कंटेन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, काइंडली गो थ्रू माई नोट्स, आई जस्ट हैव सेंट यू द नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ओके, यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो इट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, वॉट दिस एक्सप्रेशन डूइंग, इट्स शोइंग द रिलेशन ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी विद ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सो द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वंस अगेन, द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक्सप्रेस करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वैक्टर क्वांटिटी इन फैक्ट इक्वल टू डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट मे बी रिटन इज एल अपॉन टी। सो दिस इज द फिजिकल फार्मूला, ये जो हमको दिखता है। बट अगर इसका मैं डायमेंशनल फार्मूला बनाऊंगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बॉक्स लगा करके, एम इन्वॉल्व नहीं है तो एम की पावर जीरो, लेंथ पावर वन से इन्वॉल्व है तो लेंथ की पावर वन एंड टाइम की पावर माइनस वन। ओके, सो ये है इसका डायमेंशनल फार्मूला। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला, हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। ओके, इक्वल लगाया जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन, इतना पार्ट अगर आप बात करोगे तो ये है डायमेंशनल फार्मूला। देखो बड़ा चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, इतना पार्ट अगर केवल राइट पार्ट की बात करोगे तो यह है डायमेंशनल फार्मूला, अगर केवल पावर्स की बात करोगे तो यह है डायमेंशन, और अगर इस पूरे की बात करोगे तो इक्वल साइन कंटेन कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो तीनों को अच्छे से पहचान लो, डायमेंशन मतलब पावर, डायमेंशनल फार्मूला मतलब ये राइट वाली चीज, और डायमेंशनल इक्वेशन मतलब हो गया कितना आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये जो दी गई है। चलिए इसको नोट कीजिए और मेरी जो डेफिनेशन है पिक्चर से नोट करो, मैं जस्ट वन मिनट में आ रहा हूँ। ओके, सो आर वी कंफर्टेबल विद द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन? एन इक्वेशन स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ पे इसका नाम रहेगा, इस तरफ इसका
डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, उसको बोलते हैं अपन डायमेंशनल इक्वेशन। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई डिफरेंट डिफरेंट बच्चों। क्या बताई? पहली बात बताई मैंने डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल सिंपली पावर। दूसरा डायमेंशनल फार्मूला मतलब बॉक्स लगा करके डायमेंशंस को दिखा दो है। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी लाइक वेलोसिटी, और बीच में इक्वल जरूर रहेगा, क्योंकि बच्चों जब भी मैथ्स में बोले इक्वेशन, दुनिया में बोले मैथ्स में क्यों कहीं भी बोले इक्वेशन, मतलब समझ आओ इक्वल जरूर आना है, बिना इक्वल के इक्वेशन नहीं बन सकता। ओके डन डन चलो ठीक है। यस सर। ओके 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 सभी लोग आ गए हैं भाई, बहुत बढ़िया। यस ठीक है चलिए। अब क्या है, अब कुछ यार मैं इक्वेशंस बनवाऊंगा, मतलब डायमेंशनल फार्मूले आपसे मैं डेवलप करवाना चाहता हूँ। और देखो डायमेंशनल फार्मूले डेवलप करने में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बनेंगे, आप जो पढ़ करके आए हो ना बस उसी की थोड़ी सी नॉलेज आपको खंगालनी है थोड़ी सी। चलो जी पहला जैसे मेरे सामने बनाओ बच्चों, अब डायमेंशनल इक्वेशन बनवा रहा हूँ मैं। देखो बच्चों लिखो MgH, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन बना रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन। यस पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन बनाइए। क्या होगा m, m मतलब कैपिटल m। ओके अच्छा m को बॉक्स के अंदर रखो क्योंकि सेपरेट सेपरेट है, गलती हो गई यहां पर मुझसे। m को बॉक्स के अंदर रखना क्योंकि डायमेंशन कभी खुले में नहीं रहती है। ओके m m m को बॉक्स के अंदर रखिए। देन g, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यार है तो एक्सेलरेशन, और सुबह से आज बता रहा हूँ एक्सेलरेशन की क्या होती है डायमेंशन, lt की पावर माइनस टू। किसको नहीं पूछ बनती है भाई बताओ मेरे को, lt की पावर माइनस टू डायमेंशन सबसे बनती है ग्रे एक्सेलरेशन की ना। यस सर। हाँ तो lt की पावर माइनस टू और फिर क्या, टाइम। नहीं नहीं टाइम क्यों, h मतलब हाइट, और हाइट क्या होती मीटर में नापोगे ना, l। तो देखो आंसर आ गया ml2t की पावर माइनस टू। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। थ्री डायमेंशन अपने पास ml2t की पावर माइनस टू। ठीक है तो किसकी डायमेंशन निकाली हम लोगों ने, चलो एक बार मैं भी बता देता हूँ। mgh बच्चों ये किसका फॉर्मूला है फिजिक्स में, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो डायमेंशन यदि लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, तो मास के चलते आएगा कैपिटल m, g फॉर ग्रेविटेशन मतलब यार lt की पावर माइनस टू, और h मतलब हाइट। कभी भूल जाओ तो सोचो हाइट किस में नापेंगे, मीटर में, तो मीटर मतलब लेंथ का पार्ट है, तो कितना आ गया ml2t की पावर माइनस टू। ओके और बॉक्स लगाना मत भूलना, ये है डायमेंशनल इक्वेशन। और जरा फील कर पाओ तो याद करो, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की भी निकाली थी डायमेंशनल, क्या निकाली थी, हाफ एम वी स्क्वायर होता फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन हाफ, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मास की डायमेंशन एम होती है, वी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस वन का होल पावर टू कर दो तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी की पावर माइनस टू। ये देखो सर क्या फीलिंग आ रही है, दोनों सेम आ रही हैं, क्यों नहीं आएंगी भाई, एनर्जी एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, बट है तो एनर्जी ना, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी है, इसलिए दोनों की डायमेंशन सेम है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो। बोलो दोनों की डायमेंशन सेम है कि नहीं है? यस सर। यस सर। इसीलिए दोनों की यूनिट भी सेम है। सर एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, हम भूल गए सर नाइन्थ में पढ़े थे, जूल में मेजर करते हैं। बच्चों लिख लो एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ओके चलिए ये हो गया, ये हो गया अपना कौन सा पार्ट, एनर्जी वाला पार्ट हो, ठीक है तो एनर्जी हो गई। एनर्जी के बाद अब देखो नेक्स्ट। एनर्जी के बाद मैं बोलूँगा आपको निकालो पावर, उसमें तो वो दिया हुआ, जो दिया हुआ छोड़ो, मैं बोलूँगा आपको पावर, पावर की डायमेंशन निकालो। चलो निकालते हैं पावर की डायमेंशन। पावर 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 क्या होता बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी खर्च करने की रफ्तार, किस रेट से आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पावर। तो वेरी सिंपल बच्चों, पावर की डायमेंशन निकली है तो ऊपर वर्क की डायमेंशन, अभी अभी मैंने बताई वर्क मतलब एनर्जी,
अभी अभी मैंने बताई थी, और वर्क की भी डायमेंशन मैंने थोड़ी देर पहले निकलवा दी थी इवनिंग वाली क्लास में, याद करो। वर्क इक्वल टू बोला था फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की डायमेंशन आप लोगों ने मेरे को बताई थी एम एल की पावर माइनस टू, और डिस्टेंस मतलब एल। डिब्बा लगाओ नहीं तो जंग लग जाएगा। क्या हो गया, एम एल टू टी की पावर माइनस टू। तो बच्चों वर्क ही एनर्जी है, तो वर्क मतलब एम एल टू टी की पावर माइनस टू, और टी मतलब टाइम, टाइम मतलब टी, टी की पावर। तो देखो ऊपर आ जाएगा माइनस वन, तो कितना हो जाएगा एम एल टू टी की पावर माइनस टू, पहले से एक और माइनस वन हुआ, कितना हो गया माइनस थ्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। नोट करो, यस सर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन एम एल टू टी की पावर माइनस टू, टाइम की डायमेंशन टी, टी का डिवाइड किया एम एल टू टी की पावर माइनस टू, दिस इज कॉल्ड पावर। पावर की यूनिट भी बता देता हूँ बच्चों, वर्क को किस में नापते हैं, जूल में, टाइम को किस में नापते हैं, सेकेंड में। मगर हमारे जेम्स वॉट साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया कि हम लोग जूल पर सेकेंड को उनके नाम से बोलने लग गए, वॉट, जेम्स वॉट। इन्होंने पहली बार रेलवे का भाप का इंजन बनाया था ना, इसलिए इनके नाम के आगे लग गया जेम्स वॉट। सो पावर की यूनिट होती है वॉट। अब आप कहोगे सर मैं तो जूल पर सेकेंड लिख करके आऊँगा, क्या मुझे कम नंबर मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल कम नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। केवल वाट साहब की आत्मा को दुख पहुँचेगा कि आप उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बाकी मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। ओके, मार्क्स पूरे मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप कहोगे कि सर मैं लिखना चाहता हूँ वर्क की डायमेंशन, क्या लिखना चाहता हूँ वर्क की यूनिट, बोलोगे सर वर्क का आपने मुझे फॉर्मूला बता दिया है एम एल टू टी की पावर माइनस टू, तो सर मैं वर्क को जूल नहीं लिख करके मास की जगह किलोग्राम, लेंथ की जगह मीटर का स्क्वायर, और टी का स्क्वायर मतलब सेकेंड की पावर माइनस टू, मतलब सर मैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, यही जूल है। मगर ये यूनिट तो एक्चुअली यही थी, मगर उनके इतने फेमस हो गए वो लोग कि उनके नाम के आगे ये लग गया। समझ में आया? उनके नाम के आगे ये लग गया। बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ तो ये लिख सकते, ये एक एक्स्ट्रा बात थी, इसका कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। चलो भाई आगे, टॉर्क। बच्चों लिखो टॉर्क का फॉर्मूला, लिखो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स बता चुका हूँ एम एल टी की पावर माइनस टू, डिस्टेंस बता दे एल, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो एम एल टू टी की पावर माइनस टू, खत्म हो गया टॉर्क। बच्चों अगली क्वांटिटी लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो जल्दी बताऊँ तो रोकना मेरे को, बताना सर ये फिर से एक्सप्लेन करो, ईजी है इसलिए जल्दी बताता हूँ ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बता चुका, सुबह ही बताया है, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस एल अपॉन आर, डिवाइड कर दो मीटर से मीटर कैंसिल, मतलब नो डायमेंशन, एम जीरो एल जीरो टू जीरो टी जीरो, मगर यूनिट होगी। एसआई ने डंडा चलाया और कहा इसकी यूनिट होगी क्योंकि हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए एसआई ने इसकी यूनिट करवा दी रेडियन। अगला एंगुलर वेलोसिटी, बच्चों लिखो कॉपी में एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल क्या होता है ओमेगा। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा। आप मार्केट में पंखा लेने जाते हो, बोलते हो भाई पंखा कैसे चलता है सर, इस पे पंखे की स्पीड क्या है? तो पंखे की दुकान वाला कभी ऐसा बोलता है सर इतना तेज है कि 3 सेकंड में 6 किलोमीटर चला जाएगा, मतलब आप मकरूनिया में बैठे होंगे और आँख मूंदेंगे तो ये आपको सिविल लाइन में मिलेगा, ऐसा तो पंखा नहीं चलता है, क्योंकि पंखे की स्पीड घूमने वाली स्पीड होती है बच्चों। और ये जो स्पीड हम बता रहे हैं ना आपको कि 3 सेकंड में आपके घर से आपके स्कूल पहुंच जाए, ये होती है लीनियर स्पीड। बट पंखा जो घूमता है वो लीनियर स्पीड में नहीं घूमता है, क्योंकि पंखा छत पे टंगा रहता है, ऐसा थोड़ी ना कि चलते चलते कहीं और के घर में पहुंच जाए, नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। तो पंखे की स्पीड जो होती है ना उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। तो बच्चों लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि इसमें डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर होती है। बट एंगुलर स्पीड क्या होती है बच्चों, एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नोट करिए ओमेगा का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी अभी पढ़ा आपने, बेचारा थीटा तो कुछ होता ही नहीं है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और टाइम टी की पावर वन,
तो चलो क्या आ गया, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर माइनस 1। तो लिख लो एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड m0 l0 t की पावर माइनस 1। चलो इसकी क्वांटिटी कौन बताएगा मेरे को, यूनिट कौन बताएगा, बताओ भाई कौन यूनिट बताएगा मेरे को थीटा बाई टी की। बहुत ही सिंपल है, यूनिट बोलो। इतने में तो चार बार बोल देनी थी बच्चों। थीटा को किस में नापोगे, रेडियन में, और टाइम को किस में नापोगे, सेकेंड में। तो आंसर क्या हुआ, रेडियन पर सेकेंड। नोट करो यूनिट इसकी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है सर, इसमें और आरपीएम में क्या डिफरेंस है? देखो यार वो एक्चुअली ये वही है, आरपीएम ही है एक तरीके से, ये आरपीएम ही है। देखो अब जैसे क्या है कि तुम लेंथ को मीटर में बोलते हो, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो अपने अपने मतलब प्रैक्टिकल यूनिट है। तो रेडियन पर सेकेंड, देखो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन अगर पूरा पूरा होने लगे 360 डिग्री के उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, रोटेशन। क्या कहलाएगा, रोटेशन, रोटेशन। तो ऊपर रेडियन की जगह एंगल ले लिया रोटेशन, और नीचे है सेकेंड, तो नीचे कर दिया सेकेंड को, कर दिया मिनट। मतलब रेडियन का बड़ा फॉर्म रोटेशन चला गया, सेकेंड का बड़ा फॉर्म मिनट चला गया, तो ये बन गया रोटेशन पर मिनट, जिसको हम लोग बोलते हैं आरपीएम। ठीक है, यस सर। तो यार ये आरपीएम हो गया। बोलो बच्चों, तो इसको किससे शो करते हैं, ओमेगा से है। तो ये जो सिंगल सिंबल होता है ना, इसको डब्लू नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना, थोड़ा घुमा के बनाना इसको, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। डन यार, यस क्यों नहीं बोल रहे हो, बाकी सारे बच्चे यस तो बोल दो, समझ में आ रहा नहीं। यस सर। यस बोल दिया, कुछ समझ में आया नहीं तो बीच में कोई नो बोल दो, जिसको समझ में ना आए नो बोल दो। अगला है एंगुलर एक्सेलरेशन, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक है एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों अल्फा से शो करते हैं, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लिखो बच्चों ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन टी। तो ओमेगा की अभी अभी आपने डायमेंशन निकाली, क्या निकाली, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन, और नीचे फिर से टी, तो क्या बन जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस टू। नोट करिए, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस टू। डन, ओके बच्चों, अगली लिखिए फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो आप मुझसे पूछोगे सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप ऐसा समझ लो कि 11th क्लास की फिजिक्स में 16 चैप्टर हैं और 12th क्लास की फिजिक्स में 16 चैप्टर हैं। अब 16 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में नई नई यूनिट आपके सामने आएंगी, नई नई यूनिट आपके सामने आएगी, तो अब हर यूनिट को 16 चैप्टर में, मतलब हर चैप्टर में करीब 5 यूनिट आपको इंट्रोड्यूस होंगी, तो 16 चैप्टर में कितनी यूनिट हो गई, 80। तो 80 इस साल है और 80 अगले साल है, मतलब टोटल आपको लगभग लगभग 160 यूनिट को झेलना है, 160 नई क्वांटिटी को झेलना है। तो एक बार में सारी क्वांटिटी बता पाना मुश्किल है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। जैसे आप जानते हो फोर्स क्या होता है, आप जानते हो प्रेशर क्या होता है, आप जानते हो स्पीड क्या होती है, आप जानते हो टेम्परेचर क्या होता है, बट आप ये नहीं जानते हो सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, समझ गए ना, आप ये नहीं जानते हो कि सर ये सॉलिड एंगल क्या होता है। तो बच्चों इनके आने का वेट करो, जब हम इनके करस्पॉन्डिंग चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो हम बताते जाएंगे कि ये होते क्या क्या हैं, समझ गए ना। ठीक है ना, तो ये हम आपको जैसे जैसे ये आएंगे जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो ना, अरे मोबाइल की ब्राइटनेस कम करो, मेरी आँखों में बहुत लाइट चुभ रही है, तो वो जो लाइट की चुभन है, वो जो लाइट आपकी आंखों में चुभ रही है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालते हैं कैंडला में कि लाइट आंखों में बहुत जोर की पड़ रही है, समझ गए ना, उसको अपन कैंडला में निकालते हैं, है ना, तो इंटेंसिटी वो होती। तो ऐसे सारी इंटेंसिटी एक बार में इंट्रोड्यूस करना नामुमकिन है, तो बस आप सीखते जाओ कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके से घूमती हुई बॉडी की थकान होती है कि कोई बॉडी घूम नहीं पाएगी, उसको बोलते हैं घूमती हुई बॉडी की थकान, दैट इज कॉल्ड आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नोट करो बच्चों,
तो m मतलब मास, r मतलब रेडियस, तो एम आर स्क्वायर बन गया एम एल स्क्वायर। गलत लिखा है बच्चे ने, r का केवल होल स्क्वायर होना था, l इसने m का भी होल स्क्वायर कर दिया, रॉन्ग। तो एम आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो m की जगह तो m आएगा और r की जगह l का स्क्वायर। तो सही है यूनिट होगी इसके डायमेंशन फार्मूला, लिखो m की पावर 1, l की पावर 2, टाइम की पावर 0। यस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा ये, गलत लिखा है इसने, m की पावर 1, l की पावर 2, होल स्क्वायर नहीं लगाना। अगला बच्चों, मोमेंटम पढ़ के आए हो नाइन्थ क्लास में, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो मास की पावर 1 होती है, वेलोसिटी एल टी की पावर माइनस 1, बच्चों एम 1, एल 1, टी की पावर माइनस 1, लिख लो मोमेंटम। डन? यस सर। ऐश्वर्या? यस सर। शिक्षा क्लियर है? यस सर। चलो मोमेंटम, यस सर। ओके, एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू बच्चों होता है आई ओमेगा, अभी रटना पड़ेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई अभी ऊपर पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, सो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो दोनों को जोड़ करके अभी इनकी बना देंगे, है ना, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो कैसे बनाएंगे देखो इसको, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। एल की क्या पढ़ाई भी देखो अभी, आई आई की क्या पढ़ाई आपको मैंने, एम एल स्क्वायर बताई, ओमेगा क्या होता है, टी की पावर माइनस 1। बेटा मर्ज करके लिख दो, एम एल टू टी की पावर माइनस 1, एम एल टू टी की पावर माइनस 1। अगला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, घूमती हुई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, बाहुबली वाला याद है, भल्लाल देव वाला ग्राइंडर खड़खड़ 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 घूमते हुए आया था। यस सर। हाँ, सबको काटना शुरू कर दिया था, वही उसकी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली। तो उसकी एनर्जी सेम ही आएगी मतलब? नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अलग आएगी। देखो अगर अगर सीधी गाड़ी चला रहे हो, सीधे गाड़ी चलते हुए जाएगी तो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर रोटेट करते हुए घूम घूम करके जा रहे हो तो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्यों होती है, डायमेंशन तो सेम आ रही है, डायमेंशन सेम आ रही है क्योंकि एनर्जी है, बिल्कुल सही। एनर्जी कैसी भी हो वो तो एनर्जी होगी। यस सर। भाई फिजिक्स पूरी यूनिफॉर्मिटी फॉलो करती है, फुल डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, सब बताता है, सारे भगवान एक हैं। चाहे किसी भी फॉर्म की एनर्जी ले लो, डायमेंशन फार्मूला आपको एम एल टू टी की पावर माइनस 2 ही मिलेगा। यस सर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो गया। चलिए फ्रिक्वेंसी पढ़े होगे बचपन में, व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड टी की पावर माइनस 1 मतलब एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस 1। ये नोट सभी भेज दूंगा तो आराम से नोट कर लेना बढ़िया से, यदि कुछ भूल भी जाए तो। प्लैंक कांस्टेंट आपकी जिंदगी में पहली बार आ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट लिखें भाई, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, सूर्य से जो हम लोग को एनर्जी मिलती है ना, उफ ये गर्मी, ये सनलाइट, ये चुभने वाली गर्मी, कहीं सूर्य की किरणें हार्मफुल पड़ने आपकी स्किन का गोरा पन्ना बर्बाद कर दें। देखा होगा आपने फेयर एंड लवली का एडवर्टाइज, सन से आते हैं एनर्जी के बंडल, वो खट 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 घलते हैं स्किन पे। वो जो एनर्जी के बंडल होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं फोटोन, और उन फोटोन की एनर्जी कहलाती है एनर्जी ऑफ फोटोन बच्चों, वो होता है एच न्यू, और इसके बारे में बताया था मैक्स प्लैंक ने, इसलिए यहाँ पे आता है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो ई अपॉन न्यू, ई अपॉन न्यू, ठीक ना। ये क्या है, एनर्जी के बंडल, वही है जो फेयर एंड लवली के एडवर्टाइज में आपने देखा होगा, है ना। केवल 7 हफ्तों में निखार पाए। ई इक्वल टू एम एल टू टी की पावर माइनस 2 अपॉन, ये कहाँ से आया, एनर्जी, मुझे याद है आप भी याद कर लेंगे, एम एल टू टी की पावर माइनस 2 अपॉन न्यू, अभी अभी न्यू पढ़ाया मैंने, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब टी की पावर माइनस 1। तो टी की पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा टी की पावर प्लस 1, एम एल टू टी की पावर, देखो टी की पावर माइनस 2 पहले से है, ऊपर आएगा टी की पावर 1, बेस सेम पावर एड टी की पावर माइनस 1। नोट करिए, समझ में नहीं आया तो पूछिए।
आ गया समझ में? यस सर। हाँ तो चेक कर लें, डायमेंशन चेक कर लें, बिल्कुल सही है बच्चों, एच की एम एल टू टी की पावर माइनस वन, ठीक है ना। हाँ, इस बच्चे ने इक्वल टू एन एच लिखा है बच्चों, वही एच न्यू होता है उसको एन भी बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे मैंने एन बोला है तो एन भी बोलते हैं बच्चों फ्रिक्वेंसी को, कोई बुरी बात नहीं है, एकदम सही है बच्चों। स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखो बच्चों, प्रेशर सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन पता है, एरिया पता है, डिवाइड कर दो स्ट्रेस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स में डिफरेंस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने, बहुत जबरदस्त। फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या है बेटा? आपके पेरेंट्स आपको जो बाहर से परेशान करते हैं ना, मतलब परेशान नहीं करना, बोले ऊपर से देते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो आपके एरिया पे प्रेशर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब बाहर वाला फोर्स पर यूनिट एरिया, बेटा ये कहलाता है प्रेशर। यार जिंदगी में बहुत प्रेशर है, कौन दे रहा है? माता पिता, फैमिली वाले सारे, ये है प्रेशर। अब इस प्रेशर से उबरने के लिए आप अंदर से जो प्रेशर लगाते हो, खुद से अपने बॉडी के अंदर से, हाँ ये बात जरूर है कि ये बाहर वाला फोर्स और ये अंदर वाले फोर्स दोनों बराबर होते हैं, बट ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये एक्सटर्नल फोर्स है। और ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो इस दिए गए प्रेशर के हिसाब को बराबर करने के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। समझ गए? तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स पर एरिया। तो आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते, यार भाई तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले यार, लाइफ शुड बी स्ट्रेस फ्री, है ना। हाँ, ये कह सकते हैं क्या कि जो नर्व जो है, ब्लड फ्लो के कारण जो प्रेशर लगता है? नहीं नहीं, देखो वो तो स्ट्रेस है, बिल्कुल सही बात है, वो तो स्ट्रेस रहना चाहिए हमारी बॉडी में। अगर ब्लड फ्लो के कारण स्ट्रेस नहीं लगेगा भाई, हमारी बॉडी में जो खून बह रहा है, अगर वो वेंस में हमारी बॉडी में स्ट्रेस नहीं लगाएगा, तो बेटा हम जिस एटमॉस्फियर में रह रहे हैं उसका कम प्रेशर नहीं है भाई साहब, उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमको पुचका करके रख देगा। अगर ये अंदर से हमारी वेंस में खून का फ्लो नहीं होगा, और फ्लो लिक्विड है, इसलिए लिक्विड का प्रेशर हर जगह एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है, चैप्टर नंबर 13 आएगा, पास्कल प्रेशर पढ़ाऊंगा। तो इस वजह से ये है, अगर खून का प्रेशर नहीं होता तो हम लोग पुचक जाते बेटा, पतले हो जाते एकदम, समझ गए? यस सर। सिकुड़ जाते, हाँ, इसीलिए वाटर का, ये एटीएम का प्रेशर है कि समुद्र अपने लेवल पे रुका हुआ है, हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं और हमारे ऊपर एटमॉस्फियर थमा हुआ है, ये इसी एटमॉस्फियर का प्रेशर लगता है, ठीक है? यस सर। हाँ, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो पानी सटासट भाप बन के फट 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 उड़ने लगेगा। आप जाएंगे अगर यही स्पेस में जा करके आप पानी को छोड़ दीजिए, तुरंत पानी आपका यहाँ वहाँ गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं है, इसलिए पानी खटाक से इवेपोरेट हो जाएगा। और अब आपका वहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं है, तो जैसे ही आपका जैकेट आउट हुआ, आपके भी छितरे छितरे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रेशर बिल्कुल नहीं है, सिकुड़ जाएंगे आप, बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे। चलो भाई, तो ये थोड़ी सी साइंस वाली बात आ गई। आगे पढ़ते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन बच्चों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लिख लो। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डायमेंशनलेस, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, नो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन। ठीक है, अगला, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछेंगे ये, इसलिए मैंने लिखाया। होने को तो 160 हैं, है ना, उतना तो बताना मुश्किल है, सारी नहीं लिखाऊंगा, सारी मैंने इसमें सीट में लिख के दे दी है, बट आपको ये मेन मेन एग्जाम में आएंगी। लिखो बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर ये क्या होता है? हम बोलेंगे ब्रिज में चढ़ जाओ, सागर का रेलवे ब्रिज है उसमें चढ़ जाओ। सर कितने लोग चढ़ जाएं? जितने मन हो उतने चढ़ जाओ। अच्छा, ऐसे थोड़ा ना होता है, किसी ब्रिज में जितने मन होंगे उतने लोग चढ़ जाएंगे, हाथी लेके चढ़ जाओगे आप तो ब्रिज टूट जाएगा। एक ब्रिज की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना लोड बियर कर पाएगा,
वो निकालने के लिए फिजिक्स में एक टेक्निक होती है, वहाँ पे यूज़ होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिखो, पार्क में जाते हो ना झूले में, दो ही लोग तो चढ़ते हो एक साथ, दो चढ़ जाओ, तीन चढ़ जाओ, मैं कहूँ नौ लोग चढ़ जाओ, चढ़ोगे बताओ? नौ लोग चढ़ के झूला झूलो बड़ी तेजी से, बताओ झूला बचेगा कि नहीं बचेगा? नो सर। एक झूले में नौ लोग चढ़ गए और झूला झूल गए, है ना, झूला टूट करके नीचे गिर जाएगा। तो वो क्यों टूटा? क्योंकि मटेरियल की स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी। और उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो ये भी हमें पता चलेगा, लिख लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका इस्तेमाल होता है ब्रिज वगैरह बनाने के लिए, रेल की पटरियां बनाने के लिए, ब्रिज के ऊपर कितना लोड सह पाएगी। इंडस्ट्रियल फाइबर्स की जो मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली जाती है, वो भी इसी से निकाली जाती है। हाँ, इसी से निकाली जाती है। अगला लिखो बच्चों, प्रेशर। प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर तो बताओ मम्मी क्या देगी, प्रेशर देगी कि स्ट्रेस? बताओ, प्रेशर। प्रेशर तो मम्मी, अगर आप एक्सटर्नल है ना मम्मी, तो इसलिए मम्मी प्रेशर दे सकती हैं, फोर्स बाहर से लगाएंगी। स्ट्रेस डेवलप करना आपका काम है, मर्जी आपकी, आप स्ट्रेस डेवलप करो या ना करो, ठीक ना? जो जिसको बोलना है बोलने दो, हम तो स्ट्रेस जीरो लेंगे, लगाओ प्रेशर खूब। अगला है बच्चों, अगला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। डायमेंशन लिख लेना, अभी इसकी शीट भेज दूंगा। अगला है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखे बच्चों। फॉर्मूला कैसे होता है, लिखो एफ इक्वल टू सिक्स पाई आर नीटा वी। एफ इक्वल टू सिक्स पाई आर नीटा वी। सिक्स मतलब कांस्टेंट, पाई मतलब कांस्टेंट, आर का मतलब रेडियस, वी का मतलब वेलोसिटी, नीटा मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। सर ये नीटा क्या है? बेटा नीटा मतलब, कोई लिक्विड देखा ना आपने, गाढ़ेपन की मात्रा, गाढ़ापन, विस्कोसिटी, नीटा इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। शहद कैसा होता है? बहुत गाढ़ा होता है। और दूध कैसा होता है? पतला होता है। मतलब शहद ज़्यादा है और मिल्क की विस्कोसिटी कम है। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फ्लूड, लिक्विड बहता क्यों है, समझ गए ना, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी, फ्लूड वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो नीटा इक्वल टू एफ अपॉन, नीटा को रोक लो, एफ के नीचे क्या आएगा, सिक्स पाई आर वी, सिक्स पाई आर वी। नोट करो बच्चों, नीटा इक्वल टू एफ अपॉन सिक्स पाई आर वी। एफ इक्वल टू सिक्स पाई नीटा आर वी, तो नीटा इक्वल टू एफ अपॉन सिक्स पाई आर वी। एफ की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, फोर्स एम एल टी की पावर माइनस टू। सिक्स कुछ नहीं, पाई कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं, रेडियस मतलब लेंथ है एल, और वेलोसिटी मतलब एल टी की पावर माइनस वन। तो सॉल्व कर लीजिए, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन, ये हो गया कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। बताइए बच्चों क्या नहीं बना इसमें आपसे, आ गया सब कुछ समझ में? यस सर। यस सर। बच्चों आपके एग्जाम में इसमें से बाहर से नहीं आएगा, मतलब इतने जितने मैंने बताई ना 24 से ही आपके एग्जाम में देंगे। एक और आती है बच्चों जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाँ वो भी आती है, तो उसकी भी लिख लो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो भी मैं बता देता हूँ क्या होती है, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा क्या पढ़े हो नाइन्थ क्लास में, एफ इक्वल टू जी जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी को रोक लो, एफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर उछल गया, अपॉन एम वन एम टू। चलो एफ की डायमेंशन, अब डायमेंशन निकालनी है ना, एफ की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस टू। आर मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। पहली बार मास, दूसरी बार मास, एक मास से एक मास कैंसिल, एक मास बच गया पर जान दो, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर वन, और टी की, हाँ एल की पावर थ्री होगा क्योंकि दो पावर एक पावर थ्री पावर, और टी की पावर माइनस टू। बच्चों नोट करो कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट है तो हीट, और हीट मतलब एनर्जी
है ना जी, मतलब एम एल टू टी की पावर माइनस टू। इसमें स्पेसिफिक हीट का अलग लिखा है माने एल टू टी की पावर माइनस टू थीटा की पावर माइनस। हाँ होगा होगा होगा, एक्चुअली पर यूनिट मास पर डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। और सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी, हाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी अलग होगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। चलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बता देता हूँ। चलिए देखिए बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहाँ से आता है? एक गैस इक्वेशन होगा फिजिक्स में, जब हम आपको फिजिक्स में गैस पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो आर यहाँ पे कहलाता बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर को रोक लो, पी वी अपॉन एन टी। पी मतलब प्रेशर, यार प्रेशर की यूनिट क्या होती है, क्या पढ़ा है प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, बोलो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एल टू टी की पावर माइनस टू, नहीं 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 एम एल टी की पावर माइनस टू पर यूनिट एरिया, मतलब एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, बिल्कुल सही। ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम मतलब एल का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम। एन का मतलब, एन मतलब बच्चों नंबर ऑफ मोल, तो बेटा मोल तो खुद फिजिकल क्वांटिटी है, मोल ही रहेगा। और टी मतलब बच्चे लोग केल्विन। चलो तो करो सॉल्व, आर की वैल्यू लिखो बच्चों, एम मतलब एम, एल कितना हो गया तीन में से एक पावर गई दो, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, केल्विन की पावर माइनस वन, मोल की पावर माइनस वन। नोट कर लें सभी लोग, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसी का दूसरा नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला ये होती है। सर वो जो आपने वो चार्ट बनवाया था उसमें एम एल टू टी की पावर माइनस टू और थीटा की पावर माइनस वन ये लिखा है। अरे यार वो एक्चुअली क्या है, सुनो वो क्या है, वो एक्चुअली के की जगह थीटा लिख दिया है, के को थीटा से भी शो करते हैं, केल्विन को थीटा से शो करते हैं, तो तुम थीटा कर लो कोई फर्क नहीं है। और उसमें मोल भी नहीं लिखा है, वो एक मोल के लिए, एक्चुअली वो एक मोल गैस के लिए, तो एन की वैल्यू पहले ही उसने वन रख दी। अच्छा तो ज़्यादा बड़ा ये है, वो वन मोल के लिए, मोल उसमें वन रख दिया इसलिए हो गया। चलो ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए अब बच्चों देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, तो फिजिक्स के शुरुआत से ही मैंने आपको एसआई यूनिट में ले लिया, मगर ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एसआई यूनिट आ गई है बच्चों, कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो लिखो बच्चों कॉपी में सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कई सारे सिस्टम आए हैं बच्चों। तो अपन पुराने से लेकर नए सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। जो सबसे नया सिस्टम आया है ना 1960 में, वो है एसआई, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसके पहले सब कंट्री अपना अपना सिस्टम चला रही थी। एक चल रहा था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये बच्चों चल रहा था फ्रांस में, ये फ्रेंच सिस्टम है। एक चल रहा था बच्चों एमकेएस, एक चल रहा था एफपीएस, ये ब्रिटिश सिस्टम बच्चों, ये ब्रिटेन वाले चला रहे थे, अंग्रेज जो हम लोग पे राज करके गए ना वो ब्रिटेन, वो चला रहे थे। देन एक बहुत लास्ट में आया यार एमकेएस, इसको भी कुछ कंट्रीज चला रही थी एमकेएस। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। फिर बाद में तीनों को मर्ज करके सब अलग अलग कंट्री को डंडा दे करके बना दिया गया एसआई, कि अब हमारी चलेगी तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, हम परेशान हो गए तुम लोग के कन्वर्जन देख देख करके, अब वर्ल्ड में हमारा रूल चलेगा, तो एसआई आ गया। तो फ़र्क क्या था बच्चों, देखो लेंथ मास टाइम। सीजीएस वालों ने कहा कि भैया हम लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को नापेंगे ग्राम में, और टाइम को नापेंगे सेकंड में, तभी तो बना सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। एफपीएस वालों ने कहा हम लेंथ नापेंगे फुट में या फीट में, मास को नापेंगे पाउंड में, ये अंग्रेज थे, अभी भी हम इनका केक पाउंड में खरीद रहे हैं, है ना, और लेंथ अभी भी अपन लोग फुट में मेज़र करते हैं, कोई प्लॉट प्लॉट लेने जाएँ तो फुट में, और ये देखो ये सेकेंड में। फिर एमकेएस वाले, एमकेएस ने कहा भाई जो हम लेंथ नापेंगे वो मीटर में नापेंगे, के किलोग्राम में नापेंगे, मास और टाइम नापेंगे सेकंड में। तो पूरा एमकेएस को एडाप्ट करते हुए साथ में चार और फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट मिलाते हुए सेवन यूनिट का सिस्टम तैयार किया एसआई ने, जिसको लेंथ में मीटर में रखा, मास को किलोग्राम में रखा, टाइम को सेकेंड में रखा, और मैंने बता दिए चार और फंडामेंटल क्वांटिटी, एम्पियर, अमाउंट ऑफ मोल, है ना,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एक और है ना क्वांटिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, रेडियन। हाँ नहीं, रेडियन स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री बेटा है ना, वो नहीं, उसको नहीं गिनो है ना। और हीट, हीट हीट भी नहीं, टेम्परेचर। हाँ टेम्परेचर। हाँ, हाँ, इसको temperature. इसको मिला करके इन्होंने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसको बोला गया एसआई सिस्टम। तो यही बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट में देखिए मास सीजीएस में किस में आया, ग्राम में आया, एमकेएस में किलोग्राम में, एफपीएस में पाउंड में आया ये, ठीक है ना। ये हो गया अपना सीजीएस यूनिट। देन इसके बाद देखिए, देन इसके बाद आ गया लेंथ है ना, सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर और इसमें है एफके एमकेएस में है मीटर और एफपीएस में किस में है लेंथ फीट में, और टाइम तीनों में सेकंड सेकंड है। तो मेरी टेबल कहीं ज़्यादा अच्छी है, आप मेरी टेबल बना लीजिए। तो ये था भाई हमारा तीनों यूनिट। अब ये तीनों यूनिट में, चारों यूनिट में तीनों यूनिट एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक ना। इनको आप लोग नम आँखों से विदाई दे दो। केवल हम लोग अब करेंगे भैया फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम की बात होगी अब। तो फोर्थ यूनिट यानी एसआई सिस्टम पे हम लोग खेलेंगे। सर एसआई मास में ग्राम नहीं होता? नहीं, किलोग्राम। अच्छा, एसआई किलोग्राम पे, जो स्टैंडर्ड है एसआई का वो किलोग्राम पे है। आपने सुना होगा डेफिनेशन मैंने लिखी है शीट में, प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर रखा गया है वर्ष में, वी ई आर एस ई, वर्ष एक जगह है, कहाँ किसके पास है बताया था ना मैंने, इटली के पास में है, फ्रांस, हाँ वही फ्रांस में है। तो वहाँ पे एक जगह है फ्रांस में वर्स, वहाँ पे इन लोगों ने लैब बना रखी है, एसआई ने लैब बना रखी है, उन्होंने सब चीज रख रखा है। क्या रखा है, एक मीटर की रॉड रख रखी है कि एक मीटर की है। मान लो कोई कुछ ऐसा हो जाए कि पूरे वर्ल्ड में से एक मीटर का नामो निशान मिट जाए, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वर्स जाना पड़ेगा, और वहाँ से नाप लेकर के आना पड़ेगा कि एक मीटर क्या है। वहाँ पे एक किलोग्राम का एक सिलेंडर रखा हुआ है नापने के लिए। तो अगर पूरे वर्ल्ड में मान लो एक किलोग्राम के जो वेट हैं वो बर्बाद हो जाएं, तो आपको वर्ष जाना पड़ेगा नापने के लिए, लेने के लिए उसका मॉडल, प्रोटोटाइप। और ऐसे ही उन लोगों ने सब चीज़ सेवन क्वांटिटी के सेवन मॉडल रख रखे हैं। ये मैंने जो आपको शीट दी है उसमें लिखा हुआ है। चलिए खैर, तो बच्चों ये हो गया हमारा आज तक का टॉपिक, यहीं तक था। कल हम आपको बताएंगे यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और उसमें से क्वेश्चन आता है। और अब आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को एक काम ज़रूर करना है कि जो मैंने आपको शीट दी है, शीट से सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो फिजिक्स समझ में तो आएगी बट स्ट्रांग नहीं होगी। स्ट्रांग करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा।